आप मेरी गुजारिश है ये साफ साफ तौर पर सर्विस Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमक्यूएम की राबता कमेटी के अराकीन, एमक्यूएम के एमपीएस, एमएनएस, एमक्यूएम के वर्कर्स तमाम लोग कराची में बढ़े हुए जराइम और लाकानूनियत के ख़िलाफ़ अपने वर्कर्स को लेकर आईजी साहब के ऑफिस पर आए ताकि हम उन्हें कराची में मुजरमाना सरगर्मियों से आगाह भी कर दें और उनसे ये यकीन दहानी भी लें कि पुलिस कराची के लोगों को तहफ़ देने के लिए, जराइम पेशा अफराद से तहफ़ देने के लिए अमली इकदाम करेगी और जो एक कुछ नीचे की सतह के कुछ अफसरान का जो जराइम पेशा अफराद से जो गठजोड़ है उसका कलाकमा किया जाएगा। हमने उन्हें बहुत तफसील से कराची में होने वाले जराइम से आगाह किया। जो पिछले दिनों एक ऐसी मुजरमाना सरगर्मी में एक सहाफ़ी की शहादत, फिर कराची में हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें छिनना और सिर्फ एक डेढ़ महीने में 20 के लगभग अफराद की शहरियों की जराइम पेशा कार्रवाइयों में शहादत और घरों में डकैती के दौरान ख़वातीन की असमत तरी, इन तमाम चीज़ों पर हमने उन्हें तफसील से आगाह किया है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम इस जराइम की जराइम पेशा लोगों की पेशगनी करने के लिए मौसर इकदामात करेंगे और जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करेंगे। हमने उनसे ये भी कहा है, ये रिक्वेस्ट की है कि आपकी जो भी आपकी
कार्रवाइयों के सिलसिले में नतीजे आएँ उनसे हमें आगाह कर दिएगा। और लेकिन अगर कराची में जराइम कंट्रोल में नहीं आए और जराइम कम नहीं हुए तो MQM के अवामी नुमाइंदे और MQM के कारकुनान आपके पास एहतजाज करने के लिए आते रहेंगे। और ये भी हमने उनको बावर कराया है कि देखें इस दफ़ा पीसफुल आए हैं और अगर ये जराइम का सिलसिला यूं ही बढ़ता रहा तो फिर कराची के लोगों में भी गुस्सा बढ़ता रहेगा। तो उन्होंने कहा है नहीं, हम बिल्कुल यहाँ पर जराइम की पेशगनी करने के लिए, जराइम का खात्मा करने के लिए अमली इकदामात करेंगे और जराइम पेशा लोगों के साथ सख्ती से बर्ताव करेंगे। इसके अलावा टंडोलियार में थाने के अंदर जो MQM के कारकुन, थाने कोर्ट के अंदर जो MQM के कारकुन को शहीद कर दिया गया था वो भी उन्होंने बता दिया है, उसकी भी उन्होंने हमें गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है और तमाम चीज़ों की भी यकीन दहानी कराई है। एक छोटी सी जो हमने उनको एक जो गुजारिशात दी हैं, जो दरअसल का चार्ज शीट है और उस पर चार्ज शीट ही लिखा हुआ है, इसलिए कि इसमें सारी गिले और शिकायतें हैं पुलिस से कराची के लोगों की जानिब से। ये कॉपी हम आपको दे देंगे जो हम देकर आए हैं। ये मैं पढ़कर कुछ पॉइंट है मैं आपको बता भी दूं। कराची में लूट मार, डकैती और स्ट्रेट क्राइम की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया है। कराची के अवाम ना घरों में महफूज हैं और ना घरों से बाहर, पूरा शहर खौफ में मुब्तला है। पुलिस तमाशाई बनी हुई है, ना ही कानून और ना ही कानून की हुक्मरानी है। IG सिंध महकमा पुलिस के अहदेदार कम और हुकूमत सिंध के ग़ुलाम ज़्यादा नज़र आते हैं। हुकूमत सिंध ने कराची के तमाम थाने फुर्त कर दिए हैं। पुलिस दिन रात आवाम से लूट मार और भत्ता वसूली करने में मसरूफ़ रहती है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बदतरीन सूरत हाल के ज़िम्मेदार वज़ीर आला सिंध और IG सिंध और पुलिस का महकमा है। सीनियर सहाफ़ी अथर मतीन के बहमाना कत्ल की मजम्मत करते हैं और उनके कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। आवाम से गुजारिश करते हैं कि अब किसी फ़र्द या किसी घर में जराइम की वारदात हो तो फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध और IG सिंध के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराएं। आईने पाकिस्तान के तहत रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वह आवाम की जान और माल की हिफाजत करे, लेकिन रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। जनवरी और फरवरी 2022 के डेढ़ माह में 11,000 स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में अब तक 13 अफराद हलाक हुए हैं और 80 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 3,800 मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं और 7,672 मोटरसाइकिलें और 20 गाड़ियां छीनी गई हैं। ये CPLC का रिकॉर्ड है। ये एहतजाजी इज्तिमा वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि सिंध की हुकूमत आवाम की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम नज़र आती है, लिहाजा वफाकी हुकूमत IG सिंध को फौरी तौर पर बरतरफ करके किसी अच्छे मुहब्बे वतन अफसर को IG सिंध तैनात करें। आवाम के टैक्सों से तनख्वाहें और दीगर अखराजात हासिल करने वाले हज़ारों पुलिस अहलकार, पुलिस मोबाइल्स, पीपल्स पार्टी के वज़रा, अहदेदारों और उनके ख़ानदानों को के प्रोटोकॉल में मसरूफ़ हैं। कराची दुनिया का वाहिद शहर है जिसकी मुकामी पुलिस नहीं है। कराची से बाहर के लोगों को, जराइम पेशा अफराद को कराची में तैनात किया गया है जिनकी दिलचस्पी आवाम की जान और माल की हिफाजत में कम और शहरियों और कारोबारी हजरात से लूट मार में ज़्यादा है। आज का यह एहतजाजी इज्तिमा तमाम आला अदलिया से गुजारिश करता है
कि कराची में बड़े पैमाने पे जारी स्ट्रीट क्राइम, इसकी रोकथाम में सिंध पुलिस की अदम दिलचस्पी, हुकूमत सिंध की नाकामी का फौरन नोटिस लिया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों मैंने और हमारे दीगर MPAs ने हाई कोर्ट में इन जो कराची में जराएं बढ़े इसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन ऑलरेडी लगाई हुई है। इसके अलावा कल भी हमने सिंध असेंबली में भी एहतजाज किया है, परसों भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कराची के लोगों के इस जो बुनियादी मसला है अमन अमान, दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान में भी सबसे पहले इसी बात की ज़मानत दी गई है, तहफ़ दिया गया है और ये हम कराची के इस बड़े मसले के ऊपर हम जद्दोजहद करते रहेंगे। अब दूसरा ये है कि अभी हम अपना यहाँ से ही, चूँकि अब हमारा एहतजाज वो हो गया है, हम मुलाकात होगी, अब हम अपना जुलूस यहीं से निकल जाएंगे। आप उनके सवाल उनसे कीजिएगा, आप उनके सवाल उनसे कीजिएगा। दूसरा ये कि आप भी सियासी रहनुमा नहीं बने ना, आप सहाफ़ी रहे ना। शुक्रिया, सवाल तो सुन लें, आज आज सवाल तो सवाल तो सुन बोलो बोलो, अच्छा जल्दी बोलो, किसी से रिलेवेंट अगर है, किसी से रिलेवेंट का मुतालबा कर रहे हैं आप, उसी से मुलाकात कर रहे हैं। साहब ये बताएगा कि हमारे उसमा के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन से मुतालिक कुछ बात की आपने कि गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए मुल्ज़िम, कल जुम्मा है और जी हाँ हमने स्पेशली बात की है उनके लिए, हमने स्पेशली उनसे बात की और लिख कर भी दिया है, ये हमने देकर आए हैं, इसकी हम फुटेज जारी भी करेंगे और हमने उनसे गुफ्तगू में भी पुरजोर मुतालबा। अतर मतीन उसी जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुआ है जिसके लिए आज हम एहतजाज कर रहे हैं। अतर मतीन हमारा भाई था, शहर का बेटा था, उसके लिए जब तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक कि उसकी फैमिली को मुतमईन किया जाए, कंपनसेट किया जाए और उसके कातिलों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, पुलिस चीफ का अपना बयान है कि 8,000 मुलजमान कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से ज़मानतों पर बाहर है, इस पे हमने शदीद तहफ़ुज़ात का इज़हार किया है। पुलिस ही तो इन्वेस्टिगेशन करती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, एपेक्स कमेटी का इजलास दोबारा शुरू किए जाएँ। आर्मी चीफ कोर कमांडर साहब से हमारा ये मुतालबा है कि कराची को वज़ीर आला सिंध और सिंध पुलिस के रहमो करम पर ना छोड़ें, एपेक्स कमेटी का इजलास दोबारा शुरू करें। ये क्राइम आगे बढ़ के गैंग बनेंगे और गैंग के सरगना जिस तरह बाइज़्ज़त बरी होते चले आ रहे मुकदमात से, तो ऐसा ना वो इस शहर के कल को सियासी रहनुमा बनकर हमारे गर्दनों के ऊपर दोबारा उसी तरह जो है ना वो वार करें। आखिर में सिर्फ ये भी गुजारिश करेंगे मीडिया के दोस्तों से कि जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम, जहाँ पुलिस की खराबियाँ खामियाँ हैं, जब पुलिस में जराइम पेशा अपराध हैं जिसको आप उजागर करते रहें, हमने वो भी IG सिंध को आपकी रिपोर्टों का हवाला देकर ये बात की है कि पुलिस में जो काली भेड़ें उनको बाहर निकाला जाए। और सदर एक कराची शहर में सदर पाकिस्तान कराची से, गवर्नर सिंध कराची से, वजीर आजम पाकिस्तान कराची से इंतखाब लड़ चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिरकार स्ट्रीट क्राइम पे उनकी तरफ से बयान क्यों नहीं आता। सिंध हुकूमत को तो माड़े हाथों लेते हैं लेकिन हमारा जो इत्यादि है जो हर दफ़ा आकर हमें यकीन दिलाते हैं और वो इस पूरे स्ट्रीट क्राइम पे खामोश है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हम थानों में रेंजर्स को तैनात कर देंगे। इतने बड़े कराची ऑपरेशन के बाद अगर असला गली गली घूम रहा है, किराए पे बिक रहा है और गन पॉइंट पे लोग छिने आ रहे हैं, तो फिर ये कराची ऑपरेशन किधर गया, ये फिर ये असला दोबारा कहाँ से आया? तो ये सवाल हमारी तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री पर भी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी हमारा सवाल है, सदर ममलिकत से भी सवाल है, गवर्नर सिंह से भी सवाल है कि आप भी लबकुशाही करें भाई, आप भी आखिर इस शहर के हम नुमाइंदे का दावा करते हैं। MQM तो करेगी, MQM तो मरेगी इस शहर के लिए, MQM का तो फ़र्ज़ है, हमारा जीना मरना इधर है, हमने यहाँ सियासत नहीं करनी, हमने यहाँ पर अपने वजूद का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। अच्छा, हमने इसके अलावा दो मुतालबात IG साहब से और किए हैं। हमने कहा कि जिस तरह असला बरदार जत्थे कराची में गली गली घूम रहे हैं और
आपका जो महकमा है पुलिस का महकमा, वो लोगों की जानों माल की हिफाजत में नाकाम हो गया है। आप फौरी तौर पर हकूमत से ये अहकाम सादिर करवाएं कि कराची के लोगों को फौरी तौर पर बाकायदा लाइसेंस का इजरा किया जाए बिला किसी रुकावटों के, ताकि वो आइनी और कानूनी तौर पर अपनी हिफाजत के लिए, अपने घरों की हिफाजत के लिए, अपने कारोबार की हिफाजत के लिए लाइसेंस वाला असलाह रख सकें। क्योंकि ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये असले के ज़ोर पर हो रही है। इस शहर कराची के जो नहते मासूम लोग हैं वो खाली हाथ लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरा हमने मुतालबा और भी किया कि इसी शहर कराची में आप पुलिस को ये अहकाम सादिर करें कि लोग अपनी गली मोहल्लों की सिक्योरिटी के लिए मोहल्ला कमेटियां बनाएं, उसमें पुलिस उनके साथ तआवुन करे। और उसके साथ साथ जिन गलियों में, जिन इलाकों में ये क्रिमिनल्स दनदनाते फिर रहे हैं, वो इन मोटरसाइकिलों को रोकने के लिए अपने अपने मोहल्लों में हिफाजती बैरियर लगाने का बंदोबस्त करें। हुकूमत सिंध इसकी परमिशन ग्रांट करें।